जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके हम करेंगे एक्टिव टू पैसिव और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट होल ऑफ दिस टेंस। इसमें हम सिंपल भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे और इंट्रो नेगेटिव इंट्रो भी करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जरा कि ये कंप्लीट ही हो जाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। विल हम ही शी के साथ लगाते हैं, दे के साथ लगाते हैं। जहां तक शैल की बात है, ये सिर्फ हम वी और आई के साथ लगाते हैं। ठीक है, they will ये स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल ये शैल आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे जो हमने लिखा है इसकी तीनों फॉर्म्स ही एक जैसी होती हैं, कट कट कट, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसको पैसिव में चेंज करने के लिए उसी तरह ही वो जो हमारा तरीका है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को ले आना है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है केक है, उसके बाद हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें विल बी लगाते हैं या शैल बी लगाते हैं। ठीक है, जहां पे शैल हो वहां पे शैल बी, आई मीन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हो वो आए और वी हो तो तब शैल आ जाएगा, लेकिन बाकी के साथ विल ही होगा। तो विल बी लगाते हैं या शैल बी लगाते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे हम विल बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए उससे पहले बाय, और अगर दे है तो इनकी मफूली हालत जो है वो डम हो जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंसेस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और इसको अगर हम सपोज मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से देखना हो तो वो कैसे हो सकते हैं, इसको विल को निकाल लेते हैं यहाँ से, और उसकी जगह हम जो चॉइसेस में रख लेते हैं शैल और विल और वांस वर, इस तरह कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करने वाली कोई जरूरत नहीं है, इसको सिंपली आपने देखना है कि ये अपनी तरफ से अपना नॉलेज आजमाने की कोशिश करनी है कि ये कौन सा इसमें से फिट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब। अगर आप शैल लगाते हैं, दे के साथ कभी भी शैल नहीं आता, दे के साथ विल आता है। मैंने बताया शैल हम कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पे आए हो या वी हो, विल जो है यहाँ पे आ जाएगा, दे विल कट अ केक, हाँ ये सही स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, सही टेंस भी होगा, सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वाज लगाते हैं, पहली बात तो ये है कि दे के साथ वाज नहीं लगता है, और अगर लगा भी दिया जाए तो उसके बाद जो ये थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस में आती है, और अगर सेकंड फॉर्म इसको कंसिडर करना हो कट को, फिर वाज वर लगाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, इसलिए आगे जो वर है इसको भी हम लगाएं तो ये आप लोग बातें क्यों कर रहे हो, अच्छा अगर हम वर लगाते हैं यहाँ पे दे के साथ वर तो ठीक आ जाएगा, लेकिन उसके साथ आगे जो आ रहा है कट,
इसको सपोज अगर फर्स्ट फॉर्म कंसिडर हम करते हैं तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती कभी भी किसी भी सेंटेंस में। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म कंसिडर करें इसको, तो फिर वर्ब वाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली हम पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, और थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे होती नहीं एक्टिव सेंटेंसेस में, वो पैसिव में होती है। ठीक है, पैसिव में देखते हैं, इसमें से बी को निकाल लेते हैं सपोज, और इसके लिए जो चॉइसेस हैं वो हम छोड़ देते हैं बिन बी बींग, और लाइक दैट आइडेंटिफाई आप लोग कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि आखिर पे देखिए इसको बाय देम लिखा हुआ है तो इसका मतलब पैसिव सेंटेंस है, इसमें विल का इस्तेमाल आ गया क्योंकि आपको बता रहा है कि ये जरूर फ्यूचर का टेंस है और ये सब्जेक्ट जो है ऐसा आ गया। तो फ्यूचर के आपको याद होना चाहिए सिर्फ दो ही टेंसेस हैं जो सिर्फ एक्टिव टू पैसिव में चेंज किए जा सकते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनेट है और दूसरा जो है ये फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव का इस्तेमाल होता है, इसमें उसने चॉइसेस ही नहीं छोड़ी हुई, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ये पॉसिबल है फ्यूचर इंडेफिनेट हो। फ्यूचर इंडेफिनेट की आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि उसके पैसिव में हम विल भी शैल भी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी बिन जो है ये नहीं लग सकता, बिन जो है ये परफेक्ट टेंसेस में लगता है और यहाँ पे हैव हैज का या हैड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह बी यहाँ पे ठीक आ रहा है, बींग जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि बींग हम लगाते हैं कंटिन्यूस टेंसेस में और यहाँ पे वाज वर नहीं है, इज एम आर नहीं है, अगर विल दिया है तो उसके साथ बी भी नहीं है। ठीक है, तो सॉरी आई एम सॉरी बी यहाँ पे ठीक नहीं आता, मैं इंडेफिनेट करवा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, तो बी सही है, बींग जो है ये कंटिन्यूस में आता है, अभी हम कंटिन्यूस नहीं कर रहे हैं, विल बी इसके साथ लगा होता तब जो है बींग आ जाता, और शैल बींग जो है इसके साथ बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ विल भी लगा हुआ है और शैल बींग जो है इसके साथ नहीं आ सकता। ये था फ्यूचर इंडेफिनेट का सिंपल एक सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव करते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर होता है इसका सिंपली, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इसका शुरू में आ जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें लाइन है, उसके बाद विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे इस, अब इस सब्जेक्ट के मुताबिक ये अगर ऐसा सिंगुलर है आई या वी का यहाँ पे तज़किरा नहीं, फिर इसके साथ विल लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे और उसके बाद बी लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की आ जाएगी, सब्जेक्ट का जो है मफूली हालत वो अगर वी है तो आस हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का। वी शैल नॉट किल अ लायन एक्टिव सेंटेंस है, और अ लायन विल नॉट बी किल्ड बाय अस ये पैसिव सेंटेंस है। इसी के अब हमने चॉइसेस छोड़नी हो तो वो
शेल को निकालने हैं यहाँ पे, एक्टिव सेंटेंस में उसमें विल भी आ जाएगा, शेल भी आ जाएगा और वाज आ जाएगा, वर आ जाएगा। ये इस तरह की चॉइसेस जो हैं, वी के साथ विल नहीं आ सकता, शेल आ सकता है, वाज नहीं आ सकता, सिंगुलर है वो प्लूरल है, वर जो है ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस का कंसेप्ट होना चाहिए था, किलिंग हो जाता तब ठीक हो जाता, या पैसिव वाइज सेंटेंस होता तब ये ठीक हो जाता। ठीक है, तो वी के साथ जो है यहाँ पे फिट सही हो रहा, वो शेल है। इसी तरह अब पैसिव वाइज जो है उसमें से अगर हम निकालते हैं चॉइसेस को, तो उसमें सपोज हम अब विल को निकाल लेते हैं।